नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सीट 28 की। किसकी? प्रैक्टिस सीट 28 के विषय में बात करेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट जो कि 28 के पहले प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है मित्रों, निम्नलिखित में से किसने सासाराम में अपना शानदार मकबरा बनवाया? तो बात होती है सासाराम में शानदार मकबरा किसने बनवाया मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी शेरशाह सूरी। कौन है? शेरशाह सूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जग्गे या पेटा स्तूप 2000 ईस्वी कहाँ पाया गया है? तो यह मित्रों कहाँ पाया गया है, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ई आंध्र प्रदेश। दोस्तों हम लोग गोस्वामी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण अधोलिखित किस स्थान के गुहा लेख से प्राप्त होता है? तो यह हमें मित्रों कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी जोगीमारा रामगढ़। कहाँ से? जोगीमारा रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेदपन के लिए ग्रेनाइट से निर्मित ईश्वर मंदिर जिसका निर्माण राज सिंह के अंतिम वर्षों में हुआ था कहाँ स्थित है? तो यह मित्रों कहाँ पर स्थित है, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी मामल्लपुरम। कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी मामल्लपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेनिश मस्जिद कहाँ है? स्पेनिश मस्जिद की बात की जाए मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी हैदराबाद। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग ऑफ द फिक्त सील किसका चित्र है? तो द ओपनिंग ऑफ द फिक्त सील यह किसका चित्र है? यह है मित्रों ऑप्शन नंबर ए एल ग्रेको का। किसका? ऑप्शन नंबर ए एल ग्रेको का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है? तो राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित की बात की जाए मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी नहीं है, यह जो कि अजंता से है। किससे? अजंता गुफा से। यह जो कि बौद्ध धर्म जो कि महात्मा बुद्ध की कहानियों पर स्थित है, पूर्व जन्म की कहानियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था, तो यह था ऑप्शन नंबर जो कि सी सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के चित्रकार अधिकारी जिनके प्रयास से मिथिला की लोक कला का पुनरुत्थान हुआ, तो ये है मित्रों भास्कर कुलकर्णी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीचलेस सिटी 1975 कैनवास पर टैल किसकी पेंटिंग है? तो यह मित्रों किसकी है? तो गुलाम मोहम्मद शेख। ऑप्शन नंबर डी किसकी है? गुलाम मोहम्मद शेख। एम ए भूषण की बात की जाए मित्रों, तो जैसे सरस्वती, सरस्वती और इनकी बहुत ही विवादित रही है, और है आपका भारत माता, भारत माता सबसे विवादित रहा मित्रों, भारत माता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलियोग्राफ्स हेतु प्रसिद्ध चित्रकार है। तो ये मित्रों अभी पिछले वीडियो हमने बताया था राजा रवि वर्मा के विषय में, पूरे इनके जीवन के विषय में हमने बात किया था, इनके विषय में बात किया था, जन्म के विषय में बात हुई थी, फिर इसके मृत्यु के विषय में बात हुई थी, इनके चित्रों के विषय में बात हुई थी और पुरस्कार के विषय में हमने बात किया था, इनके गुरु शिष्य परंपरा के विषय में बात हुई थी और इनके प्रमुख चित्रों के विषय में हमने बात किया था पिछले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके चित्रों में अकेडमिक तंत्र पद्धति और अद्भुत एवं कल्पना रम्य प्रतिमाओं का अलौकिक मिश्रण दिखाई देता है। तो यह मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि सी सल्वाडोर डाली, कौन है सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणासन गुलाम किसकी मूर्ति है। तो मरणासन गुलाम की बात की जाए मित्रों तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी माइकल एंजेलो, किसकी है माइकल एंजेलो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कलाकृति पिकासो ने चित्रित नहीं की। तो पिकासो की बात की जाए मित्रों तो ये है जो कि ऑप्शन नंबर डी ताश का खेल, यह ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1948 में भारत की लोक कलाओं और लोक शिल्पों का प्रदर्शन पहली बार कहाँ हुआ। तो यह हुआ था मित्रों ऑप्शन नंबर ई लंदन में, कहाँ पे लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरियल किसका इंस्टॉलेशन संस्थापन कला है। यह किसका है मित्रों तो बात की जाए यह जो कि ऑप्शन नंबर सी विवाम सुंदरम, किसका विवाम सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रेष्ठ प्रभाववादी चित्रकार थे। श्रेष्ठ प्रभाववादी चित्रकार की बात की जाए मित्रों तो यह थे रेनवार और डी एडवर्ड डेगा, कौन थे रेनवार और एडवर्ड डेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यंजनावाद का वास्तविक विकास किस देश में हुआ था। इसके वास्तविक विकास की बात की जाए मित्रों यह किस देश में हुआ था तो यह ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, क्या है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है। तो बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है मित्रों तो ये है ऑप्शन नंबर डी अंतराल, क्या है ऑप्शन नंबर डी अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का कौन सा नगर मध्य काल में धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था। तो ये मित्रों ऑप्शन नंबर ए तंजौर, क्या है ऑप्शन नंबर ए जो कि तंजौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। तो यह थे मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर बी। 1739 में मित्रों नादिर शाह का आक्रमण होता है, उसी समय नादिर शाह जो कि इस आक्रमण में इसको लूट ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक स्मारक कृष्ण का माखन लड्डू कहाँ स्थित है। तो यह है मित्रों ऑप्शन नंबर ए महाबलीपुरम, क्या है महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। धमेक स्तूप की बात की जाए मित्रों तो यह कहाँ पर स्थित है तो यह ऑप्शन नंबर जो कि डी सारनाथ, कहाँ पे सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बा विलास पैलेस कहाँ स्थित है। तो बात होती है अम्बा विलास पैलेस की तो यह मित्रों कहाँ पर स्थित है तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी मैसूर,
कहाँ पे है? मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग न्यूज डॉट हिज मास्टर ऑफ वायस फाइबर ग्लास वुड आयरन किसकी कलाकृति है? प्रिय मित्रों, पंकज पवार की, ऑप्शन नंबर सी, किसकी? पंकज पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयंती जनता द्रुत रेलगाड़ियों और मधुबनी रेलवे स्टेशन के लिए विशाल फलकों पर चित्रांकन किया, तो यह चित्रांकन किसने किया है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, महासुंदरी देवी ने। कौन? महासुंदरी देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी प्रभाव पाया जाता है, तो यूनानी प्रभाव की बात की जाए मित्रों, तो यह जो कि पाया जाता है ऑप्शन नंबर जो कि सी, गंधार कला में। किसमें? गंधार कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? तो हल की बात की जाए मित्र, ये है बलराम का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिगवा का मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह मित्रों किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, कंकाली देवी। क्या है? कंकाली देवी के नाम से जो कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में किस काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो यह मित्रों किसकी? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माननीय राधा निजी संग्रह किसका चित्र है? तो यह मित्रों राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मकबरे को दारुल अमन या शांति स्थल कहा जाता है? तो मित्रों ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जान लुइक डेविड एवं जिया अगुस्त डोमिनिका अंग फ्रेंच चित्रकार किस कला के प्रति निधि थे? ये थे मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि बी, नवशास्त्रीय वाद। किसके? नवशास्त्रीय वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट मेकिंग, क्या प्रिंट मेकिंग क्षेत्र में किसकी प्रसिद्धि है? ये मित्रों प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है? तो द्रविड़ शैली का जो नहीं मित्र वह है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों में से हीनहान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्य गृह है? प्रिय मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि सी, कार्ले। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है? प्रिय मित्रों नागार्जुन कोंडा से में प्राप्त होता है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुजराहो का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें दो तोरण प्रवेश द्वार का प्रावधान है? तो ये मित्रों ऑप्शन नंबर बी, कंदरिया महादेव मंदिर।
कहाँ है? कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? चंदेल शासक खुजराहो, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मित्रों कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था? बात होती है उस्ताद मंसूर के मित्रों, कि यह जो कि जहांगीर के काल का चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की कौन सी गुफा छोटा कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि सी, गुफा संख्या 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विख्यात कला आलोचक है? तो कला आलोचक की बात की जाए मित्रों, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, ज्योतिष जोशी। क्या है? ज्योतिष जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकला में उरु श्रृंग क्या है? तो उरु श्रृंग क्या है मित्रों, तो ये है लघु शिखर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसलेश्वर एवं चित्रा केशव मंदिर किस होयसल शासक संरक्षण में बनाए गए थे? तो यह थे मित्रों ऑप्शन नंबर सी, विष्णु वर्धन। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विष्णु वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपुरम कहाँ के मंदिर को विशेषता है? तो गोपुरम की बात की जाए, तो यह जो कि ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाहल कला शैली में किस देव प्रतिमा की प्रधानता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया? दिल्ली के लाल किला के निर्माण की बात की जाए, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, शाहजहां। कौन है? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? तो बात होती है दक्कन के ताजमहल की, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, बीबी का मकबरा। क्या है? बीबी का मकबरा, जो कि रबिया दुर्रानी का भी मकबरा इसे कहा जाता है। यह जो कि औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारत में दोहरे गुंबद का प्राचीनतम मुगल कालीन उदाहरण माना जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर ई, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था? तो जहांगीर की अगर बात की जाए काल की, तो जो चित्रकार नहीं थे मित्रों, तो यह थे दशवंत। तो दशवंत किसके समय के चित्रकार थे? तो यह थे अकबर के। अकबर के समय के यह चित्रकार थे। दशवंत के विषय माना जाता है मित्रों, जो कि यह एक कहार का बेटा था और इसने खुद पागल होकर आत्महत्या कर लिया था। बाकी बिशनदास, अब्बुल हसन और मनोहर, यह जो कि जहांगीरकालीन चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? पोर्ट्रेट चित्रकला के अत्यधिक विकास की बात की जाए, तो यह जो कि जहांगीर के काल में होता है, वहीं शुरुआत की बात की जाए, तो शुरुआत जो कि अकबर के काल में होता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है और अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, जो कि अकबर के काल को कहा जाता है। वहीं शाहजहां की बात की जाए, तो शाहजहां को जो कि स्थापत्य कला का जो कि स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास का सभी चित्र
बनाने के लिए भेजा गया था। ये थे बिशन दास, जो कि सभी चित्रण करने में, जिसे पोर्ट्रेट भी कहा जाता है, महारत हासिल थी इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अभी हमने आपको बताया, ये है जो कि शाहजहां। और जहांगीर के मित्रों चित्रकला का स्वर्ण काल, वहीं अकबर के काल को जो कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुजराहो के मंदिरों में सबसे बृहद एवं ऊंचा मंदिर जो 1025 से 1050 के मध्य चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो यह मित्रों ऑप्शन नंबर ए कंदरिया महादेव। क्या है? कंदरिया महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो जयपुर शहर के संस्थापक की बात की जाए, ये थे राजा सवाई जय सिंह। कौन थे? राजा सवाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है? मतलब इनके कहने का मतलब है पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज, जो कि मित्रों ऑप्शन नंबर डी जौनपुर को, जो कि भारत का पूर्व का सिराज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता ने भरहुत स्तूप की खोज की? तो भरहुत स्तूप की खोज की बात की जाए, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी अलेक्जेंडर कलिंगहम। कौन थे? अलेक्जेंडर कलिंगहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? तो अग्नि मंदिर की प्राप्ति की बात की जाए, तो यह है सुर्ख कोथल। कहाँ पे? सुर्ख कोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विष्णु की प्रतिमा 200 ईसा पूर्व की कहाँ से प्राप्त हुई है? यह मित्रों मल्हार, जो कि छत्तीसगढ़। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि भी मल्हार छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गज हस्त मुद्रा संबंधित है? गज हस्त मुद्रा की बात की जाए मित्रों, तो यह किससे संबंधित है? यह है ऑप्शन नंबर जो कि ई शिव से। किससे? शिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा है तो यह मित्रों दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को अकबर ने अपने किस विजय के स्मृति में बनवाया था? तो यह मित्रों था ऑप्शन नंबर जो कि डी गुजरात विजय अभियान के दौरान इन्होंने इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चित्रकार मीर सैयद अली और दसवंत को संरक्षण दिया? तो मीर सैयद अली और दसवंत की बात की जाए मित्रों, इनको संरक्षण जो कि अकबर के काल में मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर उल अस्त की उपाधि किसने धारण की थी? तो नादिर उल अस्त की बात की जाए मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए उस्ताद मंसूर। कौन है? उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो मुगल चित्रकारों में चित्रकला का जो कि सबसे महत्वपूर्ण पारखी थे मित्रों, यह थे जो कि जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय चित्रकार जिसकी पेंटिंग को लेकर विवाद इतना तूल पकड़ा कि वे भारत के बाहर जाने को मजबूर हो गए और जून 2011 में विदेश में ही उनका
निधन हो गया। तो ऐसे चित्रकार कौन थे? यह थे एमएफ हुसैन मकबूल फिदा हुसैन, जो कि इनकी चित्रण थी भारत माता, जो कि भारत माता का इन्होंने नग्न चित्रण किया था, उसी को लेकर बहुत ही अधिक विवाद खड़ा हो गया, जो कि इसी के कारण इनको भारत छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह युग जो ललित कलाओं के पतन का युग था और इसलिए कुछ इतिहासकारों ने उसे अंधकारमय युग की संज्ञा से विभूषित किया, यह सल्तनत युग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है, तो वृत्ताकार मंदिर की बात की जाए तो यह है जयपुर के बैराट में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कागज का प्रचलन भारत में किसने प्रारंभ किया? यह प्रचलन जो कि अरब से प्रारंभ होता है, ऑप्शन नंबर डी। कहां से? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 से 1945 तक कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में अशीत कुमार हल्दर प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य बने। उनके अवकाश ग्रहण करने पर किसे दूसरा प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया? तो दूसरा प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था ऑप्शन नंबर ए, ललित मोहन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा अवतरण मूर्तिकला किस काल की है? तो यह मित्रों चोल काल के, ऑप्शन नंबर ए। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से एक प्रख्यात भारतीय कला समालोचक है, तो यह है श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।